पृथ्वी के बाहर जीवन खोजने की तलाश में वैज्ञानिक नए नए रिसर्चेस कर रहे हैं, रोबोट्स बना रहे हैं। वैज्ञानिकों ने रोबोट्स डेवलपमेंट की चेन को आगे बढ़ाते हुए नासा ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो बिल्कुल एक सांप की शेप का होगा। उनका कहना है कि ये रोबोट समुद्री दुनिया, टेढ़े मेढ़े भूल भुलैया जैसे रास्ते और डिफरेंट एटमॉस्फेयर में भी अच्छा रिस्पॉन्स दे सकता है। खास तौर से इस रोबोट को सैटर्न के छठे सबसे बड़े मून एनसेलेड्स के लिए तैयार किया जा रहा है। एनसेलेड्स सैटर्न के 83 मून्स में से एक बर्फीला मून है जो हमारे सोलर सिस्टम की सबसे अमेजिंग बॉडीज में से एक है। एनसेलेड्स अपने विशाल महासागरों और आंतरिक गर्मी के कारण नासा के लिए लाइफ की एक उम्मीद बना हुआ है और इस खास तरह के रोबोट को EELS यानी एक्सोबायोलॉजी एक्सटेंट लाइफ सर्वेयर नाम दिया है जो बर्फीली सतह पर पानी और लाइफ को खोजने में मदद करेगा। नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी के मुताबिक EELS सिस्टम असल में एक मोबाइल इंस्ट्रूमेंट प्लेटफॉर्म है जो मून के आंतरिक इलाकों की फॉर्मेशन का पता लगाकर लाइफ के एविडेंस को खोजने में मदद करेगा। सैटर्न के मून एनसेलेड की बर्फीली सतह बहुत ही स्मूथ है और इसीलिए इस रोबोट को एक खास तरह से डिजाइन किया जा रहा है, एक स्नेक की शेप में जो स्मूथ सरफेस पर भी आसानी से चल सकता है। इस मून का टेम्परेचर 300 डिग्री फारेनहाइट से भी अधिक है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बर्फीली सतह के नीचे भारी मात्रा में पानी मौजूद हो सकता है और अगर पानी है तो जीवन भी पॉसिबल हो सकता है। कैसिनी स्पेसशिप द्वारा किए गए एनालिसिस के मुताबिक मून की सरफेस से निकलने वाला प्लम यानी एक प्रकार का धुआं जो सीधे पानी में जाता है, हो सकता है इस धुएं की वजह से बर्फ लिक्विड महासागर में बदल जाती हो। फिलहाल EELS प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग डेट अभी कन्फर्म नहीं है और इस रोबोट की लंबाई 16 फुट बताई जा रही है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेस रहता है तो हम पृथ्वी के बाहर लाइफ के एक कदम और नज़दीक पहुंच जाएंगे और इसके जरिए दूसरे उन प्लैनेट्स और मून्स पर भी उनके फॉर्मेशन और लाइफ को प्रॉपरली ऑब्जर्व कर पाएंगे, जहां तक पहुंचना अभी हमारे लिए मुश्किल है। वेल, वीडियो खत्म।